हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो आपका रिवीजन चल रहा है। आपका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर का रिवीजन क्लास एट का हो चुका है। तो फर्स्ट सेकेंड तो एक्सरसाइज के साथ आपका रिवाइज हो चुका है। थर्ड चैप्टर जो है आपका शब्द विचार, ये तो चैप्टर रिवाइज हो चुका है, लेकिन आपका जो है एक्सरसाइज रिवीजन नहीं हुआ है। तो आइए एक्सरसाइज रिवीजन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, वर्णों के वे समूह जो कुछ न कुछ अर्थ देते हैं शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ से आपको शब्द की परिभाषा पता चल गई। शब्द मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे शब्द नहीं, चार प्रकार के होते हैं। शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पे होता है, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग एवं व्याकरण के आधार पर, अर्थ के आधार पर। इन चार प्रकार से, चार आधारों पे इनका वर्गीकरण किया जाता है, और इन आधारों पे जो वर्गीकरण होता है वो अनेक होते हैं। तो इस तरह से आपको जब भी ये पूछा जाए शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तब आप चार प्रकार के लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, या पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप इनके आंसर देंगे, न कि ये आप याद करेंगे कि शब्द सिर्फ चार ही प्रकार के होते हैं। तो सबका अर्थ एक ही बता दें, सबका आंसर चार प्रकार के। इन आधारों पे इनका वर्गीकरण होता है, तो सब आधारों पे अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण होते हैं। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट ऑप्शन है। पहला प्रश्न आपका, वर्णों के वे समूह जो कुछ न कुछ अर्थ देते हैं कहलाते हैं। तो आप जानते हैं शब्द कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिल से जो बनते हैं। फिर आपका तारीख शब्द है। तो तारीख शब्द न तद्भव है, न तत्सम है, न देशज है, ये विदेशज शब्द है, ये उर्दू का शब्द है। फिर है अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अविकारी शब्द पांच प्रकार के होते हैं। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक शब्द का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो प्रत्येक शब्द का अपना अस्तित्व होता है, तो यहाँ पे आपको स्वतंत्र फील करना है। फिर है वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। तो उन्हें आप जानते ही हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने तो यौगिक हो गए अपने आप। तो यहाँ पे यौगिक फील करेंगे आप। फिर अहंकार, तो अहंकार एक तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे आप तत्सम फील करेंगे। अहंकार तत्सम शब्द है। फिर है विकारी शब्द के चार प्रकार होते हैं। यहाँ पे प्रकार होते हैं लिखा है, तो आपको यहाँ पे संख्या ही लिखनी थी। तो विकारी शब्द जितना आपके पुस्तक में दिया है चार प्रकार के, तो यहाँ आपको चार फील करना है। जिन शब्दों का अर्थ समान हो वे समानार्थी ही कहलाते हैं। जब समान अर्थ वाले शब्द होंगे तो समानार्थी ही कहे जाएंगे। फिर है आपका सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाए, यानी ट्रू और फॉल्स। तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों तथा जिनका अर्थ निश्चित होता है वे योग रूढ़ कहलाते हैं। आप जानते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बने शब्दों को यौगिक कहते हैं, लेकिन जब उनका अर्थ निश्चित होता है, दोनों शब्दों के मेल का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आपने पढ़ा लंबोदर, तो यहाँ लंबे पेट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ एक निश्चित अर्थ की बात की जा रही है, यानी श्री गणेश जी की बात की जा रही है। आपके कान में लंबोदर शब्द पड़ेगा, या आप बुक में आप देखेंगे लंबोदर शब्द, तो आपको श्री गणेश जी का ही रूप दिखाई देगा उसके सामने। तो ये योग रूढ़ शब्द कहलाता है, जो दो शब्दों के योग से तो बने हो, लेकिन उनका अर्थ पहले से सुनिश्चित हो कि इनका अर्थ क्या होगा, न कि उन योग के आधार पे, उन शब्दों के अर्थ के आधार पे उसका अर्थ हो, तो वो योग रूढ़ कहलाता है। फिर है भाषा की दृष्टि से शब्द छह प्रकार के होते हैं। तो भाषा के दृष्टि से शब्द छह प्रकार के नहीं होते, बल्कि चार आधारों पर इनका वर्गीकरण होता है। किसी आधार पर छह प्रकार के नहीं होते, तो ये आपका रॉन्ग है।
संस्कृत के शब्दों का बिगड़ा हुआ स्वरूप जिनका हिंदी में सार्थक प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, ये भी सही है। मूल रूप से संस्कृत के मूल शब्द जो हैं उनको थोड़ा सा परिवर्तित करके जब हम हिंदी में जिसका प्रयोग करते हैं व्याकरण के अनुसार भी उनका प्रयोग होता है, सार्थक रूप से होता है, तो वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द, आप जानते हैं क्रिया विशेषण, हमेशा मैंने बताया क्रिया विशेषण अविकारी होता है क्योंकि इसमें कभी परिवर्तन नहीं आता है, कारक लिंग वचन के अनुसार कभी इसमें परिवर्तन नहीं आता है, कारक लिंग वचन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये यथास्थान यथारूप बना रहता है। जैसे है धीरे धीरे, तेज, बहुत, ये सब क्रिया विशेषण शब्द हैं। अब है नीचे लिखे शब्दों का भेद पहचान कर सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। खिड़की क्या है? खिड़की एक देशज शब्द है। विद्या, विद्या एक तत्सम शब्द है। बालक, बालक विकारी शब्द है। बालक, बालिका, बालकों, बालक के इस तरह से लिंग वचन कारक के अनुसार इस पर प्रभाव पड़ता है और ये अपना रूप परिवर्तित कर लेता है, तो ये विकारी शब्द है। जलज जो है योग रूढ़ शब्द है। जलज जल में जन्मा, तो यहाँ जल में जितने भी जीव प्राणी जन्म लेते हैं उनसे मतलब नहीं है, जलज का मतलब यहाँ कमल से है, तो ये योग रूढ़ हो गया, अर्थात इसका अर्थ सुनिश्चित है जलज का। फिर है घुड़सवार, तो घुड़ सवार, घोड़े पर सवार, दोनों का शाब्दिक अर्थ जो है इसके जो मूल रूप से यौगिक शब्द बना उसका भी वही अर्थ होगा, तो ये यौगिक शब्द हो गया। अब है आपका मैच, सही मिलान कीजिए। तो आपको तत्सम शब्दों को तद्भव से मिलाना है। यहाँ पे देखिए मिसप्रिंटिंग हुई थी, तद्भव मैंने आपको बताया था, फिल करवाते समय इसको चेंज कर लीजिए। ये जहाँ तत्सम लिखे हैं शब्द उसके ऊपर तद्भव लिख दिया गया था और जहाँ तद्भव शब्द दिए गए हैं वहाँ तत्सम लिख दिया गया था, तो इसको आपको सही करना है। अग्नि का तद्भव आग होता है, सूर्य का सूरज होता है, गृह का तद्भव रूप घर है, मयूर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप मोर होता है, कर्ण मीन्स कान होता है, तो कर्ण एक तत्सम शब्द है और कान इसका तद्भव रूप है। तो इस तरह से आपका ये मैचिट हो गया। अब आपको देखना है गोले में दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। तो यहाँ गोले में कुछ शब्द दिए गए हैं, वार, घर, नीलकंठ, घोड़ा, जग, कुपुत्र, देवालय, पुस्तकालय, पंकज, विद्यार्थी, अवगुण। ये कैसे शब्द हैं? इसमें कुछ रूढ़ शब्द हैं, कुछ यौगिक शब्द हैं, कुछ योग रूढ़ शब्द हैं। योग रूढ़ शब्द इसमें देखिए नीलकंठ है, पंकज है, इस तरह से। अब देखिए रूढ़ शब्द इसमें से घर, जग, वार, घोड़ा, ये सब रूढ़ शब्द हैं क्योंकि इनका खंड करने पर इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा, इसलिए ये रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। फिर यौगिक शब्द हैं अवगुण, कुपुत्र, देवालय, पुस्तकालय, ये यौगिक शब्द हैं। सब सारे शब्द दो शब्दों के योग से बने हैं। अब यहाँ योग रूढ़ शब्द हैं ये नीलकंठ और पंकज। नीलकंठ का तात्पर्य श्री शिव जी से होता है और पंकज यानी कमल, तो ये योग रूढ़ हो गया। इनका अर्थ पहले से ही निश्चित है, नीला कंठ यानी नीले कंठ वाला नहीं बल्कि शिव जी। फिर है सातवां क्वेश्चन आपका, नीचे लिखे शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो दिवस दिया है, दिवस एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप दिन होगा। आम्र, आम्र का मीन्स होता है आम, आम्र तत्सम है और आम इसका तद्भव रूप है। सत्य मीन्स सौ, नासिका नाक को संस्कृत में नासिका कहते हैं, स्तंभ को तद्भव रूप खंभा हो गया, रात्रि का रात हम सब जो बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग करते हैं और हम इसको व्याकरण के अनुसार भी लिखते हैं, तो ये तद्भव हो गया। गृह का घर आपने एक बार और अभी कहीं पढ़ा है। फिर शिक्षा मीन्स सीख हो गया, सीख तद्भव रूप है, शिक्षा जो है तत्सम है। नख का नाखून जो कि हम प्रयोग करते हैं शब्द, ये भी तद्भव शब्द है। घृत यानी कि घी। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आपका है क्वेश्चन आंसर।
तो क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे, आपके 6 क्वेश्चन आंसर हैं, 6 क्वेश्चन है पूरे, तो इसका आपको आंसर मैंने बुक में टिक करवा दिया था। इसको आप पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिए शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे शब्दों का भेद पूछ रहा है, तो शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है, आप जानते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, जो दो शब्दों को, दो या दो के अधिक शब्दों से शब्द जो बन, जिनका निर्माण होता है, वे यौगिक कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तो ये भी आपको मैंने टिक करवाया है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपके बुक में टिक करवाया है, शायद आपने अपनी नोटबुक में भी लिख लिया हो। तो इसके बाद है देशज और विदेशज शब्दों में अंतर बताइए। तो इसको मैंने आपको बताया था, देशज शब्द क्या है, विदेशज शब्द क्या है। देशज शब्द जो कि न तो किसी भाषा से आए हैं, ना संस्कृत शब्दों से आए हैं, बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्रों से प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द जो थे, उनको हमने हिंदी में उसी रूप में अपना लिया है, वो देशज कहलाते हैं। और अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द, विदेश की अन्य भाषाओं से, जैसे तुर्की है, पुर्तगाली है, फारसी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, इस तरह के जो शब्द अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो ये दोनों का अंतर यही है कि देशज शब्द न तो संस्कृत से आए हुए हैं और ना ही किसी अन्य विदेशी भाषा से आए हुए शब्द हैं, बल्कि अपने हिंदी भाषी क्षेत्रों की बोलचाल की भाषा से लिए गए शब्द हैं, जबकि विदेशज शब्द विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्दों से लिए गए हैं। तो ये हो गया देशज और विदेशज का डिफरेंस। फिर विकारी और अविकारी शब्दों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो विकारी शब्द आप जानते हैं, विकारी क्या होते हैं, जिनमें लिंग, वचन और कारक का प्रभाव के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, वे विकारी शब्द होते हैं। देखिए, जिन शब्दों का रूप वाक्य में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जबकि अविकारी शब्द जिन शब्दों में रूप का रूप कभी नहीं बदलता, लिंग, वचन, कारक का जिन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और सदा एक समान रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आपने खुद भी रिवीजन किया होगा चैप्टर का, तो आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और एक हमेशा रिवीजन करते रहिएगा, बस 5 ही मिनट 10 मिनट के सारे चैप्टर हैं, 5-5 मिनट अगर आप देंगे तो तुरंत इनका रिवीजन हो जाएगा और आपको अच्छे से याद होता रहेगा। तो अब आपका एक चैप्टर बचा है, शब्द निर्माण, उपसर्ग। इन्हीं 4 चैप्टरों से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में या आपके सिलेबस में। मैंने 4 चैप्टर आपको बताए थे, तो ये 4 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, 1 चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन। थैंक यू।